सिग फ्रॉम मोस्को हियर एंड आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है आईफोन 11, सो आई एम हैविंग आईफोन 11 फ्रॉम 2019। तो 2019 का फ़ोन है और 2024 में कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं पूरे वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो डिज़ाइन से शुरू करेंगे। इसका जो पुराना वाला बेहतरीन डिज़ाइन आता था, जो कर्व वाला डिज़ाइन आता था, और गाइस टू बी ऑनेस्ट मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट आईफोन था मेरा ये, जब से रिलीज हुआ। XR तो था नहीं बल्कि नहीं, उसमें एक कैमरा था बल्कि तो ज़्यादा पसंद नहीं आता था वो मेरे को, मगर इसके अंदर दो कैमरे देखे ना दिल जीत लिया था एप्पल वाला जब। बस ज़रा डिस्प्ले माजूर है इसका, उसको छोड़ के जो डिज़ाइन था इसका, जो कर्व डिस्प्ले था, मतलब सॉरी नॉट कर्व डिस्प्ले, जो कर्व डिज़ाइन था, यकीनन बहुत कंफर्टेबल डिज़ाइन था इसका कर्व डिज़ाइन। और ये जो ग्लास सैंडविच था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्रीमियम फील होता। तो आप लोग देख सकते कि जो बैग है अभी भी बहुत प्रीमियम फील देता। ग्लास बैग है अपने पास, इधर एप्पल लोगो है, दो कैमरा है 12-12 मेगापिक्सल का, एक फ्लैश, एक माइक, और इधर फ्रॉस्टेड ग्लास है, इधर शाइनिंग ग्लास है, और साइड में और कुछ भी नहीं, चाहिए खाली एक अपना पावर बटन, दो वॉल्यूम बटन और एक अलर्ट स्लाइडर, जो कि अब हट गया, हटा दिया एप्पल वाले। तो उसको छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं है फ़ोन में, नॉर्मल सादा फ़ोन, एक आईफोन बोले जैसा आईफोन है, और एक बड़ी नॉच है यहाँ, बेचारा कभी कभी नाबीना दिखता है, मेरे को ऐसा दिखा, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो फ़ोन में बेसिक फीचर्स है, जो सॉरी बेसिक डिस्प्ले है 720p का 60Hz डिस्प्ले। पर एक बात बोलूँ तो उसका डिस्प्ले बहुत क्रिस्प और क्लियर बोलता हूँ मैं, क्योंकि IPS डिस्प्ले है और बहुत अच्छा डिस्प्ले है, 720p है मगर मालूम नहीं होता। तो डिस्प्ले की बात ये रह गई, फिर अपन बात करेंगे बैटरी की। तो ये फ़ोन कुछ 2 साल पुराना है, डेढ़ साल से 2 साल कुछ पुराना है। तो आप लोग बैटरी की हेल्थ देख सकते हैं 84%, जो कि बहुत परफॉर्मिंग, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, नहीं बोल के नहीं, और अच्छा डे टू डे लाइफ में पूरा जिंदगी रहता, नहीं बोल के नहीं। 3300 mAh नहीं होती तो नहीं है, 2000 चिल्लर कुछ है, बहरहाल मेरे को याद नहीं है कितनी है, अब भी देख के देखेंगे। उससे आप लोगों को है ना, मैं इंटरनेट की स्पीड कैसी चल रही, क्या चल रही, वो भी बता दे सकता हूँ। तो iPhone 11, तो आप लोगों को मैं बताया तो थोड़ी रिसर्च करना था, मैं नहीं करा बड़े बहरहाल। तो इसके अंदर 3000 मैं क्या बोला 3000 चिल्लर है बोला नहीं, पीछे देखो 3000 चिल्लर और 15 वाट सपोर्ट कर लेता, नहीं बोल के नहीं, लाइटनिंग बोर्ड है ना तो 15 वाट सपोर्ट कर लेता, और 5 वाट का वायरलेस चार्जर है वो भी चल जाता, और फेस आईडी है, जो जो बेसिक सब आईफोन में रहना चाहिए, बेसिक आईफोन में है ना वो सब है, और खाली डिस्प्ले को छोड़ के बाकी सब अभी के बाकी सब बेहतरीन है। जैसे कि प्रोसेसर हो गया, परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता अभी भी एप्पल A13 बायोनिक। बस काम अभी ना माजूर हो गया बोलते हैं ना इसके, 4G में 4G है इसमें, 5G नहीं है, बस 5G है, 5G नहीं है, वो एक ही प्रॉब्लम है, और दूसरा इसका डिस्प्ले का 720p डिस्प्ले बोल के, बाकी सब कैमरा अभी भी बहरा है, कैमरा अभी भी अपना कैमरा इस्तेमाल करे समझो, तो आप लोग है ना वाकई में बोलते हैं भाई क्या कैमरा है अभी भी बोल के बोलते हैं। आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा, ये है टोपी, ये रहा कैमरा। तो आप लोग कैमरे में भी देख ले सकते कितनी कितनी डिटेल फोटो आ रही, और तकरीब ला लिए बाद भी है ना था फट रहा नहीं, देखो मतलब ब्लर नहीं हो जा रहा, बराबर दे रहा। तो एक फोटो खींचेंगे अपन ये एंगल पे, और आप लोगों को मैं बताता हूँ उसमें, तो आप लोग देख सकते कितनी क्लियर क्रिस्प फोटो आई, बेहतरीन फोटो। इधर देखो आप लोग फैब्रिक भी देख सकते हैं कैप की, तो बेहतरीन फोटो आई समझो, फोटोज़ के वास्ते अच्छा है, नहीं बोल के नहीं, फोटोज़ और वीडियोस के वास्ते। तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं आप, तो बेशक ये फ़ोन ले सकते हैं यूट्यूब के वास्ते, क्यों बोल तो कैमरे के वास्ते बहुत अच्छा है, अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेता, अच्छे फोटोज़ ले लेता, फ्रंट कैमरा भी व्यवहार आए, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सब अच्छा है गाइस। अगर 2014 में फ़ोन 24 में फ़ोन लेना चाह रहे तो आप ले सकते हो, बेहतरीन फ़ोन है, और उसे छोड़ के परफॉर्मेंस, स्पीकर, सब चीज़ें बेहतरीन है। आप लोगों को स्पीकर भी सुनाया हो तुम्हें, अगर आप सुनना चाह रहे बोल तो, नहीं बोल के नहीं। ये लो स्पीकर, ये है ना अपनी, लाजिम ऐड़ा सुनना पड़ता है आप लोगों को,
आपको स्टूडियो में सुना के दिखा दूँ। देखो डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है, नहीं बोल के नहीं, और फिक्रा भी अच्छे। तो बहरहाल बोलने का एक ही मतलब है गाइस, इसके ऊपर पबजी की भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, पबजी खेल के वो भी देखेंगे कैसा चलता पबजी। भाई मेरे हिसाब से तो फुल स्मूथ एक्सट्रीम पे तो चल जाता, मगर मैं फिर भी पूरा एक रिव्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस वीडियो इतनी रखेंगे, आप लोगों को पसंद आई होंगी वीडियो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और बैटरी चार्जिंग स्पीकर फ़ोन में सब चीज़ें अच्छे, प्रीमियम फ़ोन है, बैटरी लाइफ अच्छी देता, सब अच्छी देता, मगर क्या बोलते हैं प्रॉब्लम इसका डिस्प्ले 720p है वही छः, और नॉच बहुत बड़ी है जो कि ओके अगर अपना एंट्री लेवल आईफोन में जा रहे तो अपना ले सकते, नहीं बोल के नहीं। अगर उससे हटके अगर आप ना ज़्यादा सोच रहे कि एक्सपेक्टेशंस रख रहे कि फ़ोन है ना नहीं मेरे को आईफोन 15 के जैसा मिलता है, तो यकीन मानो आपको फीलिंग वही चाहती, मतलब इन हैंड फीलिंग नहीं आती, मगर सॉफ्टवेयर फीलिंग आती लाइक आप लोगों को, क्योंकि सॉफ्टवेयर वही छे iOS। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, पीस।